नमस्कार साथियों, जय हिंद। और एक बड़ी ही अच्छी खबर है साथियों, क्योंकि जो है जिन भाइयों ने आज जो आयुक्त महोदय को ये लेटर दिया है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और पूरे मध्य प्रदेश के साथियों को ऐसा लेटर देना चाहिए साथियों, क्योंकि इस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है वर्ग 1-2 में जिनका नाम आया था, जैसे ही जब उनकी जो है सेकेंड काउंसिलिंग हुई, दोबारा से वो लोग जो है फॉर्म फिलअप कर दिए और ट्राइबल से वो कहाँ जाना चाह रहे थे, DPI। हूबहू एग्जिट इस वर्ग 3 में भी होने वाला साथियों। पहली काउंसलिंग में जिसका नाम आ गया ट्राइबल में, वो ट्राइबल ज्वाइन कर लेगा, लेकिन जैसे ही सेकंड काउंसलिंग चालू होगी वो फिर से DPI में जाना चाहेगा, फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड कराएगा और फिर उसका नाम उसमें जाएगा साथियों। इससे क्या होगा, नीचे की जो मेरिट लिस्ट के बंदे हैं उनका नाम ही नहीं आ पाएगा, यानी बिसा रहेगा प्राथमिक शिक्षक में जिसकी ज्वाइनिंग हो गई उसकी पुनरावृत्ति ना हो। ये लेटर है महोदय जी, सनम्र निवेदन है कि प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की संयुक्त काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों को एक बार ज्वाइनिंग मिल जाए उन्हें जो है दोबारा काउंसलिंग मौका ना दिया जाए, इससे नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पाता है तथा एक ही व्यक्ति के नाम कई बार आ जाते हैं और वह अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, इससे नए अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं और उनका मेरिट में नाम नहीं आ पाता है। आपसे निवेदन है कि एक बार ज्वाइनिंग करने के बाद उस अभ्यर्थी को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए, यही प्रार्थना, धन्यवाद। प्रार्थना देखेंगे आप लोग, लिखा प्रियंका सिंह, शिवम शर्मा, शिखा शर्मा, और ये आज का लेटर था 1/12/2022 का। ये DPI में दिया गया दोस्तों, ये सील भी लगी हुई है, ऑथेंटिक है, आयुक्त महोदय को दिया गया है। तो ये बहुत शानदार उन्होंने काम किया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में भी नामों की पुनरावृत्ति रोक लगाने के लिए जिन्होंने कदम बढ़ाया, बहुत ही सराहनीय साथियों। और पूरे मध्य प्रदेश के साथियों को एकजुट होना चाहिए, इसके लिए एक छोटा सा जो है विज्ञापन कार्यक्रम रख करके जो है एक तारीख निश्चित करके और हमें जो है आयुक्त महोदय से अवगत कराना पड़ेगा कि सर जिनकी ज्वाइनिंग हो जाती है पहली काउंसलिंग में, चाहे वो ट्राइबल में हो या DPI में हो, लेकिन दोबारा उसका नाम रिपीट ना हो, ये बिल्कुल सही ऐसी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, यानी उस रोल नंबर को आपको लॉक करना पड़ेगा जिस नंबर वाले की ज्वाइनिंग हो जाएगी, उस रोल नंबर को आपको लॉक करना पड़ेगा, अन्यथा यही चलेगा सेकंड काउंसलिंग में। ये जो DPI में जाना चाहेंगे वर्ग 2-1 में जिस तरीके से हुआ है वैसे ही वर्ग 3 में भी करने वाले हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ को रुकवाना है, हम लोग सबको मिलकर लड़ना है, इसमें सभी की लड़ाई है, किसी 1-2-3 लोगों की लड़ाई नहीं साथियों। तो ये जानकारी जो मैं वीडियो के माध्यम से लगभग 8,000 से 10,000 लोगों तक पहुंच जाएगा वीडियो में आज रात भर में, तो कुल मिला के आप लोग इस चीज़ से सचेत हो जाइए कि सच में ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। आप लोग जो है एकजुट हो जाइए और एक दिन भोपाल चलते हैं DPI में, और एक बड़ा ज्ञापन कार्यक्रम रहेगा जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहें, कम से कम 100-150 लोग तो रहें, 50 लोग तो रहें, ताकि जो ज्ञापन दें तो सामने वालों को लगे कि हाँ बच्चे जो है ये समस्या लेकर के आए हैं। चलिए साथियों, यही जानकारी थी, बाकी डिटेल में मैं जो है इस पर प्लान करके वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों से शेयर करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।